Cars! अब देखिए हमारे पपेट्स का अनोखा डांस। ये क्या कर रहा है ये? इसने तो मेरा शो खराब कर दिया। अरे मोटू निकलो वहाँ से, कहीं लेने के देने न पड़ जाए। अरे कौन है ये लोग? भगुरे, खुल जा ना, खुल जा। हाय हेलो, आप भी यहाँ? मैं भी यही रहता हूँ। मुझे किसी को एयरपोर्ट छोड़ने जाना है, मगर ये डोर है कि खुल ही नहीं रहा। अब क्या करूं? इन पपेट्स को कहाँ छोड़ूं? कोई बात नहीं, आप इन्हें हमारे रूम में रख दीजिए, बाद में ले जाइएगा। अच्छा, थैंक यू, बाय बाय, मैं आता हूँ जाके। ओके। चलो काम पे लग जाओ। अरे क्या कर रहे हो? पैसे कहाँ रखे हैं? पैंट की चोर जेब में, कुर्ते की चोर जेब में। ओके ओके, थैंक यू, वेलकम। अरे मेरी जेब से पैसे कौन निकाल रहा है? सपना देख रहे हो? सो जाओ लिटिल बेबी, सो जाओ। ओहो अच्छा अच्छा, सपना देख रहा था, गुड नाइट। सो जाओ, गुड नाइट। काम हो गया। चलो बॉस आने तक इस आदमी का थोड़ा मजा लेते हैं। चलो चलो चलो, चुप जाओ जल्दी। अरे ये क्या हो गया तुमसे? मैं क्यों हंस रहा था? शायद कोई सपना होगा। अरे आप, थैंक यू मेरे पपेट्स का ध्यान रखने के लिए। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाय बाय, गुड नाइट। वाह, गुड मॉर्निंग दोस्तों, चलो चाय नाश्ता करके आते हैं। मोटू आज चाय नाश्ता तुम कराओगे? हाँ हाँ क्यों नहीं, आज चाय नाश्ता मैं कराता हूँ। अरे क्या हुआ? कहाँ कहाँ गई?
अरे मेरे कुत्ते से पैसे कहाँ गए, किसने निकाले? मैंने सपना देखा था कि पपेट मेरी जेब से पैसे निकाल रहे हैं। अरे यहाँ तो सचमुच चोरी हो गई रे। अरे सपने को छोड़ो, ये सोचो पैसे कहीं गिर तो नहीं गए। अरे मेरे रूम की विंडो से कोई रस्सी से चढ़कर आया और चोरी कर ली। आपके यहाँ तो सब ठीक है ना? चोरी तो हमारे यहाँ भी हो गई है। उड़ी बाबा, हमारे यहाँ भी कोई चोरी करके गया है, इधर भी रस्सी लटका है। उड़ी बाबा, आप लोग चिंता ना करें, एक दो केस और हो गए हैं, मैं पुलिस में जाके कंप्लेंट करता हूँ। तब तक प्लीज आप लोग चाय नाश्ता करें। Excuse me, मैंने सुना है आपके रूम में भी चोरी हुई है। दो दिन पहले मेरे रूम में भी एक दिन विंडो से चोर आकर चोरी करके गए थे। आपके यहाँ क्या मतलब पपेट आपके सपने में भी आए थे और आपको भी गुदगुदी की थी क्या? भला पपेट मेरे सपने में क्यों आएंगे और मुझे गुदगुदी क्यों करेंगे? खुशबू, मैनेजर नहीं छोड़ेगा। अब होगी पिटाई, जल्दी भागो। मौतों समोसे छोड़ो और भागो यहाँ से। भैया माँ, ताल में कुछ काला है। हाँ हाँ, पपेट उसके सपने में भी नहीं आए और गुदगुदी भी नहीं की थी। इसमें जरूर उस पपेट मैनेजर का हाथ लग रहा है। अरे रुको रुको, एक्सक्यूज मी मैडम, क्या उस दिन आपके रूम में पपेट मैनेजर पपेट्स को रख के गया था? यस, लेकिन पपेट्स का चोरी से क्या कनेक्शन? वही तो पता करना है, जहाँ पपेट्स होते हैं चोरी वही क्यों होती है? मोटो, हो न हो पपेट ही है जो चोरी कर रहे हैं। हमें उसके कमरे में जाकर तलाशी लेनी चाहिए, देखना चोरी का सामान वहीं से मिलेगा। चलो हम लोग अंदर विंडो से ही चलते हैं। चलो लो, मैं करता हूँ। ये 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 ये, ओए मैं करता हूँ यार। रुको 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 रुको, मैं ऊपर रस्सी फेंकता हूँ, मुझे पुलिस में ये कमांडो ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। अम्मा, अब देखो और सीखो मैं कितनी स्पीड से ऊपर चढ़ जाता हूँ, लाइक ए ट्रू कमांडो। अम्मा, तुम लोग इतनी दूर कैसे चले गए और उल्टा क्यों हो गए? चिंगम सर, आप भी दूर चले गए हैं और उल्टे भी हो गए हैं, जरा देखो तो। उड़ी बाबा, हम अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा कमांडो कभी नहीं देखा। स्टॉप, स्टॉप इन द नेम ऑफ लॉ। इनको मुझ पे शक हो गया है, यहाँ से भागने में ही भलाई है। उड़ी बाबा, अभी अभी पॉपेट मैनेजर ने हमको देखा और अंदर भाग गया, उसका पीछा करो जल्दी। सुनिए मैनेजर साहब, मेरा फाइनल बिल निकाल दीजिए, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से। अरे ऐसे कैसे जा सकते हो? हमें तुम पर शक है कि तुम्हारी पपेट्स ही चोरी करती हैं। जरा पपेट्स दिखाओ तो, दिखाओ। मुझे चोर का? अब मैं यहाँ एक पल भी नहीं रह सकता। रुक जाओ, मुझे जाने दो। क्या कर रहे हो मेरे साथ? अरे क्या कर रहे हो? अरे तुम भी बाहर निकले, हम पकड़े गए। भागो यहाँ से। तुम उसे नहीं मार सकते। देखो छोटे भैया, मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता। हम भी तुमसे लड़ना नहीं चाहते। उस मैनेजर ने हमको कई साल से कैद रखा है, जबरदस्ती हमसे चोरियां करवाता है, हमें कहीं नहीं जाने देता। आज हमारी बारी है, कम ऑन फ्रेंड्स, आ जाओ।
छोड़ेंगे नहीं हमें। चलो ले जाओ इसे। यस सर। सर हो सके तो इन लोगों को कम सजा दीजिएगा, ये उनके कहने पे ये सब कर रहे थे। ओके ओके, अब जाओ तुम लोग, अपना ख्याल रखना और फिर कभी चोरी मत करना। बाय बाय। अरे वो कौन सी जगह है, वहाँ तो हम गए ही नहीं। चलो वहाँ चलते हैं। चलो। अरे मोटो कहाँ जा रहे हो? रुको ना। अरे छोड़ो मुझे। मोटो इतनी भी जल्दी क्या थी, तुम तो हवा में ही भाग लिए। सॉरी सॉरी, गलती हो गई। चलो जल्दी से चलते हैं, मैं और रुक नहीं सकता। और कितनी देर लगेगी पतलो? बस मोटू पहुंच ही गए समझो। अरे ओए मेरे भाई, मेरे यार, लगता है यहाँ कोई नहीं रहता। ओए भैया माँ, अपरे बुढ़ी बाबा, इधर आके देखो अलमारी में क्या लिखा है। अलमारी के अंदर रखी हुई किताब को मत पढ़ना, क्योंकि एक बार शुरू की तो खत्म करनी पड़ेगी और तुम्हें तेज तनातन पड़ेगी। मेरे भाई, मेरे यार, चलो एक बात तो अच्छी है कि बुक तो है ही नहीं, वरना उसे पढ़ने का मन जरूर करता। मोटू ये तुम कौन सी किताब पढ़ रहे हो? अरे वही अलमारी में जो रखी थी। अब क्या होगा? अरे पतलू सुनो तो, ये किताब भी बड़ी अजीब सी किताब है। इसमें लिखा है कि अब तुम्हें दरवाजे से भागना पड़ेगा। लेकिन सोचो, अरे हम क्यों भागे? आगे बुक में लिखा है सही सवाल, इसलिए दरवाजे से भागोगे क्योंकि खिड़की से धुआं अंदर आ रहा है। मोटू जो ना करे सो थोड़ा, अलमारी में लिखा था किताब मत पढ़ना। अरे मोटू फिर तुमने किताब क्यों पढ़ा? सॉरी सॉरी, गलती हो गई, लेकिन यहाँ से पहले भागो। हेलो मेहमानो, कैसे हो? अब ये क्या चीज है? आपका स्वागत है, नेक्स्ट पेज पढ़ो। अच्छा अच्छा पढ़ता हूँ। इसमें लिखा है अब पिटाई शुरू हुई, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अरे
ये क्या हुआ? ये हमें मेहमान बोलती है, इसके यहाँ अतिथि देवो भव का मतलब नहीं पता है क्या? यहाँ तो अतिथि को पीटो भव है, आगे ही पीट दिया इसने। पढ़ो 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 पढ़ो, आगे पेज में क्या लिखा है, शायद बच के निकलने का कोई रास्ता मिल जाए। ओके तुम सर, पढ़ता हूँ। इसमें आगे लिखा है कि पिटाई शुरू होगी और पिटते रहोगे। अरे अभी अभी तो पिटे हैं, और कितना पिटेंगे? यहाँ कमर पीछे हाथ झुककर पड़ गई है। अरे ये कौन सी जगह है, इतने बड़े बड़े केले? आइडिया, बच गए लिखा है कि नहीं लिखा है? पढ़ता हूँ, एक मिनट। अरे अरे मोटू, क्या हुआ, क्यों रो रहे हो? आगे पढ़ो ना। पतलू, आगे लिखा है अब तो और पिटाई होगी, भागे क्यों? मोटू मेरे पैर, मेरी यार, इसका क्या मतलब हुआ? अरे ये तो वही हुआ, आसमान से गिरे खजूर में अटके। दोगे तो बच सकते हो यारे। अरे खुश तो कर देंगे, लेकिन कैसे करें मतलू? आइडिया, उसकी आंखों में अगर हम काजल ये सब लगा दे तो वो सुंदर लगेगी और खुश हो जाएगी। चश्मा तो लगा देंगे, पर कान किधर है उसके? आन 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 उसके कान। ओ मेरे पैर, मेरे यार, कान हो या ना हो, मैं किसी को भी एडजस्ट होने वाला चश्मा देता हूँ यारी। अच्छा तो तुम लोग यहाँ छुपे हो, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगी। देखिए जी, ये काजल लगा के ना आप बहुत सुंदर लगेंगे। What do you mean कि मैं बदसूरत हूँ? अरे नहीं नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था। सॉरी सॉरी सॉरी, अरे लगाने दो ना एक बार प्लीज। बिग आई जी, इसका ये मतलब नहीं था। देखिए आप ये चश्मा लगा के देखिए ना। प्लीज, अरे जस्ट यू। देखिए आप कितनी सुंदर लग रही हैं। पर मैं सुंदर लग रही हूँ ये मुझे कैसे पता चलेगा? शीशा दिखाओ।
ये देखो किताब में लिखा है कि अब नदी ही तुम्हें बचाएगी। हाँ वो देखो वहाँ नदी है, चलो उधर चलो। अब आप रिवर के पानी में खुद को देखिए तो। हम खुश हुए, आपने तो एकदम खुश कर दिया मुझे, मैं बड़ी सुंदर लग रही हूँ। अभी आप लोग जा सकते हैं, मुझे आप लोगों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। अरे किसने रुला दिया, अब ये नाराज हो जाएंगी। आप रो क्यों रही हैं? अभी तो आप खुश थी। ये खुशी के आंसू हैं, खुशी के। मैं इतनी सुंदर कभी नहीं लगी। अब मैं किसी को तंग नहीं करूंगी, मैं भी चली जाती हूँ, आप लोग भी अपने घर जाइए। चलो अब यहाँ से चलते हैं। अरे नहीं, अभी तो एक बहुत जरूरी काम बाकी है, और वो है मोटू की पिटाई। उसकी वजह से हम बहुत पिटे हैं, ना तो वो बुक पढ़ता और ना हमारी इतनी पिटाई होती। क्यों साथियों?